वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 200 साइंस वन लाइनर फैक्ट। अब देखिए, आपकी प्रिपरेशन में वंदर होगा मैं साइंस वन लाइनर फैक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, पर साइंस वन लाइनर फैक्ट प्लस एमसीक्यू अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बेसिस पर, अगर कॉपर का कोरिजन होता है, कॉपर को एयर में रखा जाता है, तो आप सबको पता है उसमें कौन सी कलर की कोटिंग लगती है? ग्रीन कलर की कोटिंग लगती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस सब्सटेंस, ऐसा क्या सब्सटेंस बनता है कि कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है? तो जैसे एग्जाम्पल, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH2, OH का होल ट्वाइस और CuCO3, तो ये सब्सटेंस के फॉर्मेशन से कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ 200 हम वन लाइनर फैक्ट करने वाले हैं, जो कि देखिए, जो कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स प्लस ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल जो पूछे जा सकते हैं और पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एनडीए से लेकर सीडीएस और बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा हमने फिजिक्स एमसीक्यू में भी किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाकी अगर इसकी आपको पीडीएफ लेनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट आपको लेनी है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, 7505134891, ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है या डायरेक्ट आप ले सकते हैं। बाकी सेम जैसा एग्रीकल्चर की बुक आप ले सकते हैं 199 रुपीज़ की, इसी नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, डायरेक्ट आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और उसके बाद देखिए, जो वंदोरगा की प्रिपरेशन करना है आपके लिए, बहुत सारे लोगों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, साइंस वन लाइनर की फैक्ट, ये मैंने प्लेलिस्ट में, आप चैनल पर जाना पंकज बोरा, ठीक है, वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाओगे, देखिए ये प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको साइंस वन लाइनर फैक्ट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर टॉपिक वाइज एमसीक्यू 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, फिजिक्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू, मतलब जितने भी वंदोरगा का पूरा सिलेबस है ना, तो हम वो प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेल आए थे और कमेंट में भी ये लिख रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कोई पार्ट नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी इतनी 100+ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तो वो पार्ट नहीं मिलते, तो आज हमने प्लेलिस्ट बना दिया। ओके, अब कर लेते हैं आज से स्टार्ट 200 क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला है, विच अमंग द गिवन पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड इन चार्जेबल बैटरीज। अब देखिए, जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिनको आप चार्ज करते हो फिर अपने डिवाइस में लगाते हो, चाहे वो आपकी बाइक हो सकती है, आपका फ़ोन हो सकता है, तो जो भी चार्जेबल बैटरीज होती हैं, तो इनमें से कौन से मटेरियल इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर टॉर्च लाइट की बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक सेवर्स की बात करें, तो इन पे बैटरीज लगती हैं, तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस मटेरियल से बने रहते हैं? वो बने रहते हैं निकिल और कैडमियम, ठीक है, आपको पता ना इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड किस वजह से, कौन से मटेरियल से बने रहते हैं? निकिल और कैडमियम, ठीक है, ये तो हम बता ही चुके हैं। फिर कॉपर सब्सटेंस जो है, अगर उसको हवा में रखा जाता है तो उसमें ग्रीन कोटिंग यानी कि हरे रंग की लेयर लग जाती है। तो ऐसा क्या बनता है? ऐसा दो चीज़ें बनती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuCO3 प्लस CuCO3, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH का होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, तो ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एडिंग क्लोरीन टू बेंजीन, अब बेंजीन का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे बेंजीन का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो बेंजीन जो होता है, तो अगर क्लोरीन में, एडिंग क्लोरीन टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है, ये एग्जाम्पल किसका होगा? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं पता क्या होती है, तो मैं वैसे बता देता हूँ, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे नॉन माइल्ड रिएक्टिव होता है उसको रिप्लेस कर देता है, तो उसमें उसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस हम वंदरोगा, जो भी आप, जो भी बहुत सारे एस्पिरेंट, जो भी ये साइंस वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री, ये देखिए, ये पूरा हम सिलेबस करवा चुके हैं, पूरी इसमें 9 पार्ट है, ठीक है, तो 9 पार्ट करवा चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूरा कंप्लीट कोर्स है केमिस्ट्री का, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेयर गैस, अभी बहुत सारे डेली रायोट चल रहे थे, आप सबको पता है, तो सिंपल सी बात है, हम गन का तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है, उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्म हो जाएगा, बट टेयर गैस का यूज़ करते हैं, ताकि बहुत सारे रायोट्स जो करते हैं गैदरिंग कर लेते हैं। तो टेयर गैस क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। अब बहुत बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो कमेंट में आप सबको पहला तो बेंजीन का फॉर्मूला लिखना है,
सेकंड कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए 200 क्वेश्चन है, एक से लेके 1.5 घंटे तक पूरा सेशन चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में आप सबके आंसर दो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हो चुके हैं, देखते हैं कितने मिनट हो चुके हैं, अभी हो चुके हैं आपके ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं। तो जहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मोस्ट प्रॉबेबल पूछे जा सकते हैं और रिपीटेड हैं, ठीक है। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला पॉज करके आप डायरेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को अभी, जिसने लाइक नहीं किया, जो भी इस वीडियो तक आ चुका है, अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वंदोरागा आने तक हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंस वनांदर के फैक्ट ला सकें, ठीक है। ताकि कोई ना, मुश्किल से 20 या 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही, अगर हम 5000 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने अभी 2000 का सोचा था, बट अब हम 5000 तक करेंगे, क्योंकि अब 2-3 महीने तक मोस्ट प्रॉबेबल है कि लॉकडाउन होगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू सोर्सेस, ठीक है। ओके चलो बात कर लेते हैं, पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि एल्गोरिथम आप सबको पता है, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, उतना ही वीडियो की रीच बढ़ेगी, उतना ही एस्पिरेंट को जो है हेल्प मिलेगी। उसके बाद कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब दही खट्टा होता है किस वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। ड्रिंकिंग सोडा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रिंकिंग सोडा क्या है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन देते हैं उन्हें एसिडिक इन नेचर कहते हैं, जो OH नेगेटिव देते हैं उन्हें बेसिक इन नेचर कहते हैं, ठीक है। और जो जनरली ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैरासूट, पैरासूट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, उसका नाम है विस्कोज, ठीक है, क्या है, विस्कोज। ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ना एनसीईआरटी में मिलेंगे, स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे, बट क्या होता है, बहुत अलग अलग होते हैं वो, ठीक है, बाइफर्केट रहते हैं, मतलब आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, बट साइंस वन लाइनर फैक्ट एक ही साथ लाने का ये मतलब रहता है कि आपके सामने एक ही लिस्ट है, तो बार बार आप उसको रिवाइज करो, और इससे आपका पूरा रिविज़न जल्दी हो जाता है, एक ये है कि एक साथ अगर करेंगे तो। मिल्क एक नेचुरल इमल्शन है, इमल्शन क्या होता है, केमिस्ट्री के लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे, तो लिक्विड लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन इमल्शन कहलाता है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इमल्शन कहलाता है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या कोलोइडल सॉल्यूशंस में जो वाइट लाइट होती है वो, या लाइट होती है वो स्कैटर करती है या नहीं, ठीक है। नाइन्थ, व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, आई थिंक बहुत सारे हमारे ग्रुप में भी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 30, ठीक है, 30 मार्च आज डेट है, और आज ही के दिन जो ग्रुप में, टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना आप, जो इम्पोर्टेंट है देख लो, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए, तो टेलीग्राम में ग्रुप है, तो ऑलरेडी 350 प्लस जो हैं लोग इसमें हैं, और 150 से प्लस जो डिस्कशन ग्रुप में है, तो उन्होंने ही पूछा था एक में, तो तब मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का कि उनमें से किसी ने पूछा था कि एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो इसलिए आप भी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सपोज तैयारी के लिए कोई नहीं मिलता, तो डिस्कशन ग्रुप में जो बच्चे हैं बहुत ही, मतलब ऐसे हैं कि वो डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन डालता हूँ, ऐसा नहीं, वो खुद ही क्वेश्चन डालते हैं, सभी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, 3-4 बंदे उसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन ग्रुप मुझे लगा, तो उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एसिड रेन के लिए। अब एसिड रेन होगी तो आप सबको पता है किसके लिए हार्मफुल रहती है, प्लांट और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल यानी कि जो पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो दो कंपोनेंट आपको याद रखने ही हैं, SO2 एंड NO2, वो एक्स नंबर ऑफ एटम कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग, सपोज कलर ऑफ जो ऑयल पेंटिंग है अगर उसका कलर को रिस्टोर करना है या उस पेंटिंग खराब हो चुकी है तो इसमें से क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना कि कोई ऑयल पेंटिंग है अगर उसका कलर सपोज क्या हो रहा है, हल्का पड़ रहा है, ब्लर्ड हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो उसमें यूज़ करेंगे हाइड्रोजन,
पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज ऑयल पेंटिंग में। अब ये साइंस वल्नरेबल फैक्ट आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबको लग गया होगा, कोई भी किसी भी क्वेश्चन की जेन्यून है या नहीं गूगल सर्च आप कर सकते हो। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मीन्स, पाश्चराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हीटिंग ऑफ मिल्क टू अबव 62 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक्यूरेट यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क मतलब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं अचानक से अगर दूध को, इसमें क्या हुआ था कि कभी कभी दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं, तो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इसलिए डिस्कवर किया था। इसमें क्या है अचानक से फिर ठंडा कर देते हैं, ठीक है, बट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 62 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसे पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क कहते हैं। ओके, अब जो हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे अभी तक, निकिल और कैडमियम से जो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन फिर से आया है। द कैथोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ लेड। जो कैथोड होता है, दो होता है ना, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी का जो कैथोड होता है वो खुद उसमें क्या होता है लेड होता है। ओके, सोर टेस्ट ऑफ कोको कोला, हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है कोक का, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। दही वाला क्या था लैक्टिक एसिड, कोको कोला वाला क्या है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइप मेटल यूज इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ, प्रिंटिंग प्रेस में जो मेटल यूज होता है किस किस से मिलके बना रहता है एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है एक मेटल प्लस एक दूसरा मेटल प्लस एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल, इन दोनों से एलॉय बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं एलॉय का मतलब सिर्फ मेटल और मेटल रिएक्ट करता है या मेटल मेटल ही करता है तो उसे एलॉय कहते हैं, एलॉय नॉन मेटल भी होता है। इसकी बेसिक आपको नॉलेज एनसीईआरटी में मिलेगी, लेड एंड एंटीमनी से मिलके बना रहता है, ठीक है, जो मेटल यूज किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, जो छापने वाली मशीन होती है ना उसमें। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे मेजर, मेजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर टर्म में बोल रहा हूँ मेजर, मेजर मतलब सबसे ज़्यादा, तो CO2 यूज़ होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जैसे हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा CO2 होती है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, CO2 ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है हीट ट्रैप कर लेती है और हमारे सराउंडिंग को गर्म कर देती है, जिसके वजह से क्या होता है एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है हमारे जो सराउंडिंग होती है वो गर्म हो जाती है, अब गर्म होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल मतलब पूरा जो संसार है वार्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डायमंड आर ग्लिटरिंग यानी कि चमकते हैं एंड अट्रैक्टिव एज लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज, अब डायमंड में चमकते हैं और जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जब भी कोई लाइट इसमें जाती है तो आपको ऐसे चमकते हुए दिखते हैं, तो ये मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये चीज़ होती है, ठीक है, अंडरगोज मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच अमंग द गिवन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, अब एक चीज आपको याद रख लेना है जिंक सल्फेट ZnSO4 इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इवन आफ्टर सनसेट यानी कि सन डूब जाने के बाद भी द एयर नियर द अर्थ सरफेस कॉन्टिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू, अब जो हमारी हवा होती है फिर भी गर्म रहती है या हीट रिसीव कर रही होती है ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये होता क्या है, सपोज मान लो ये सन है और यहाँ पर हमारी ज़मीन है, तो सबसे पहले याद रखना जो हमारी सन की रेज होती है यहाँ पर टकराती हैं, मतलब जो हमारी लैंड होती है वो एब्जॉर्ब करती है, बाद में ये टकराने के बाद हमारी यहाँ पर आती है ये, ठीक है, ऊपर आती है, तो इसी रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से ही हमारी जो एटमोसफियर होती है गर्म रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर एज, ठीक है, बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, इग्निशियन टेम्परेचर का मतलब होता है इग्निशियस, मतलब किसी चीज़ को अचानक से आग लग जाना या किसी चीज़ में अचानक से जो हीट जनरेट हो जाना तो उसे इग्निशियस बोलते हैं, तो उसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर वैसे ही आग में पानी में नहीं रखेंगे तो इग्निशियस टेम्परेचर उसका मतलब वो जल्दी हीट जनरेट कर देगा, तो इसलिए फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है पानी में रखा जाता है, इसका रीज़न इग्निशियस टेम्परेचर। विच अमंग द गिवन गैसेज इज मोस्ट टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहरीली कौन सी होती है या विषैली कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का एक फैक्ट ये भी है
कि ऑक्सीजन से ज़्यादा आपके ब्लड में घुल जाता है ये, तो तभी बोलते हैं कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलती है, जैसे आपने स्कूटर चलाया, आपने बाइक चलाई या कोई भी ऑटोमोबाइल चलाया, तो उसमें से जो डीजल बर्न होता है ना, जो अनबर्नड डीजल होता है, यानी कि पूरे अच्छे से कम्बस्ट नहीं होता है जो, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी ज़्यादा निकलेगी वो आपके जो ब्लड में उतनी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है और इरिवर्सिबल ये रिएक्शन क्रिएट करती है, ठीक है, तो आपके ब्लड को टॉक्सिक बना देगी ये, ठीक है, उससे बहुत सारे डिजीज हो सकती हैं। पेट्रोलियम मिक्सचर है एक हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन मतलब जो चीज़ हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। एलोट्रॉपी लिक्विड स्टेट में कौन शो करता है, याद रखना सल्फर शो करता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोट्रॉपी लिक्विड स्टेट में कौन शो करता है, सल्फर, ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाई पार्शियल डिहाइड्रेशन, वो क्या होता है, जिप्सम सॉल्ट से। डिहाइड्रेशन आप सबको पता है, हाइड्रेशन क्या होता है, पानी, डिहाइड्रेशन पानी निकल जाना, तो सिंपल सिंपल टर्म है आपको देखने को मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय सोप इंडस्ट्री, अब जब साबुन बनाया जा रहा होता है तब मेन तो उनका एम होता है साबुन बनाना, बट उसके साथ साथ कभी केमिस्ट्री में आप सबको पता बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब जो चाहिए नहीं होता बट बाय मिल जाता है, उसका दूसरी जगह यूज़ कर लेते हैं, तो सोप बनाने समय ग्लिसरॉल दूसरा बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिल्वर गेट्स इरोडेड कॉरेडेड ड्यू टू, मतलब सिल्वर में चांदी में जंग लग जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के बेसिस पे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बेसिस पे हमारी जो है सिल्वर में चांदी में जंग लग जाती है H2S। व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट, आयरन में लोहे में जंग लगती है तो उसका वेट हो जाता है बड़ा, क्योंकि देखिए रस्ट का एक फॉर्मूला होता है .XH2O, ठीक है, Fe2O3.XH2O, ये आपका हो जाता है, इस वजह से आयरन में आयरन का वेट जो होता है बढ़ जाता है जंग लगने के बाद। हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फियर, एज एटमोस्फियर में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि ये लाइटेस्ट गैस है। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड, अब जब फॉर्मल्डिहाइड को देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का आप वो बताना मेरे को, फॉर्मूला बताना, ठीक है, उसको और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो हमको मेथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है, अब इथिल अल्कोहल तो आप सबको पता है, इथिल अल्कोहल वही होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बाकी मेथिल अल्कोहल देखो ये याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मेथिल अल्कोहल मिलता है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना, तो मेथिल अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो रिसर्च जो हल्का सा कभी कभी चाहिए होता है ना, कोई छोटा अमाउंट में रिसर्च करने के लिए चाहिए होता है, तो वो मेथिल अल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है, और कभी कभी जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं उस पर भी यूज़ होता है, तो ये चीज़ याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड CHO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इस पर यूज़ होता है। बायो फर्टिलाइज़र कन्वर्ट नाइट्रोजन टू, बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, देखिए बायो फर्टिलाइज़र से याद आया, एग्रीकल्चर जो बुक है उस पर बायो फर्टिलाइज़र मेंशन है हमारी सिलेबस में भी वंदोरागा के, और हमने भी अपनी बुक में ये बताया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे भी बताया गया, जिन लोगों ने भी ली है, मोस्ट 28+ बुक हो चुकी हैं, ठीक है, अमेजॉन किंडल से भी आप ले सकते हैं उसे, अमेजॉन में भी मिल जाएगी आपको, अमेजॉन में 15+ बुक ले ली गई हैं, कुछ 12 या 13 मुझे पर्सनली जिन लोगों ने मैसेज किया था उनको मैंने PDF सेंड की है, ठीक है, तो उन लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि सभी चीज़ इसमें कवर है, ठीक है, आप भी ले सकते हैं इसको। बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, और याद रखना इनिशियल के जो 50 लोग हैं उनको ही ये मिलेगी 199 की, ठीक है, बाद में इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर क्या होता है, जो भी आप सिरका बोलते हैं ना, जैसे किसी भी चाउमीन सेंटर पर गए, ठीक है, तो सिरका डालते हो तो एसिटिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट है जो मेन वो होता है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड में पानी डालेंगे विनेगर बन जाएगा। विच अमंग द गिवन केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी, बहुत बार पूछा गया है, AGBR, और एक और जो होता है वो यूज़ होता है वो है सोडियम थायोसल्फेट। अब इसका फॉर्मूला मुझे बताना, सोडियम थायोसल्फेट का
उसको भी फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। अब जो नेगेटिव बनाते हैं ना, तो उसको हटाने के लिए सोडियम थायोसल्फाइड का यूज़ होता है, सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, तो दो चीज़ आपको कभी भी फोटोग्राफी याद आए तो दो तीन कंपाउंड आपको याद ही कर लेने हैं, रट लो। मतलब इसको AGBR तो आपके खून में होना चाहिए कि यार AGBR तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट आजकलों का ट्रेंड क्या चल रहा है, सोडियम थायोसल्फाइड के बारे में पूछ लेते हैं, थायोसल्फेट के बारे में। ठीक है, जर्मन सिल्वर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल इन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर, बात यह है जर्मन सिल्वर में खुद सिल्वर नहीं होता, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। ठीक है, तो कभी भी जर्मन सिल्वर पूछा जाए कि किस किस चीज़ से बना रहता है जो कि यूटेंसिल में, ठीक है, यूटेंसिल यानी कि जो घर की चीज़ें होती हैं, चाकू होता है वगैरह, इन सब में जर्मन सिल्वर का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो बर्तन हो गया ये सब, तो कॉपर, जिंक, जिंक और निकल, ठीक है, इसका यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। अब देखिए, कभी कभी दो टाइप के फॉस्फोरस होते हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक, ये वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, मेनली दो। अब देखिए, आपको मैचिस्टिक पता है, उसमें भी फॉस्फोरस लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है तो आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं कि रेड फॉस्फोरस उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता होगा, क्योंकि उसको तो माचिस में यूज़ करते हैं, ऐसे तो हमारे लिए भी हार्मफुल होता, मतलब रखते ही आग लग जानी चाहिए, जब उसको रब करते हैं तब तो उसमें रेड फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस रिएक्टिव नहीं होगा, वाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर भी आप सोच सकते हैं। इमल्शन ए कॉलोइडल, ये देखो, ये ऑलरेडी बता चुका था इनिशियल में जब ये क्वेश्चन आ रहा था ना, कौन सा क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा अभी अभी जो, चलो जो भी होगा वो, पर यही था कि इमल्शन होता है, वो मिल्क था, पता नहीं क्या था, पर छोड़ो। इमल्शन, जैसा मैंने बोल दिया था कि लिक्विड लिक्विड का कॉलोइडल सॉल्यूशन इमल्शन कहलाता, बट मेरे को ये याद आ रहा है कि उससे लाइट स्केटर होती है या नहीं, ये पूछा था मैंने। ठीक है, उसके बाद, एक ऐसा एटम जिसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास आर कॉल्ड। सेम एलिमेंट के एटम हैं बट उनके मास नंबर अलग हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट पानी को शुद्ध करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे देखिए इसी तरीके से फंसाते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बार बार बताता हूँ मैं हर बार, एक LIC एजेंट क्या बेचता है, LIC बेचता है, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बेचेगा, उसके पास क्या होगा, उसके पास तो ऑक्सीजन होगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट में, चलो फॉर्मूला बताओ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होता है तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन देगा किसी दूसरे कंपाउंड को। ठीक है, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, MCQ में यही फंसाते हैं कि जो पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या क्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेड एस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस, स्लज का। ठीक है, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, जब सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना तो एक बाई प्रोडक्ट निकलता है वेस्ट, तो उसे स्लज कहते हैं। अब स्लज को ही क्या करते हैं, बायोगैस बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लजरी टैंक में, आपने क्लास 10th में ये मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के एक चैप्टर में, तो जिसमें हम बायोगैस, पूरा बायोगैस है, गोबर गैस प्लांट है, उससे निकलती है, तो उसको हम पूरा पढ़ाएंगे कि उस टैंक में जो स्लजरी टैंक क्या होता है, पूरा स्लज डालते हैं। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये केमिस्ट्री में करा चुका हूँ। नायलॉन थ्रेड आर मेड अप ऑफ, नायलॉन के जो तागे होते हैं जिससे बहुत सारे अंडे की ट्रे भी कभी कभी बांध ली जाती है, तो वो किससे बने रहते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीमर से। नायलॉन के थ्रेड किससे बने रहते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीमर से। ठीक है, उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो है मैग्नीशियम। ठीक है, इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल दैट इज यूज टू राइपन मैंगोज, यानी कि ये आमों को पकाने के लिए
ठीक है, वैसे तो इथाइलिन का भी यूज़ करते हैं किसी को राइपन करने के लिए, पकाने के लिए। तो एक और केमिकल का यूज़ होता है कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज़ किस करते हैं, मैंगो को पकाने के लिए। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, किसी दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो फार्मर्स तो वो ले लेते हैं, कच्चे आम खरीद लेते हैं, बट जो कंपनीज होती है फिर कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करके उसको जल्दी पका देती है ताकि जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, व्हेन आइस क्यूब आर मेड द एंट्रोपी ऑफ वाटर, जब आइस क्यूब बनती है या आइस क्यूब बनाते हैं तो एंट्रोपी जो पानी की है वो कम हो जाती है। एंट्रोपी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसऑर्डर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ विच H2 डज नॉट एड इज, ठीक है, तो वो होता है टेट्रा फिनिल इथाइलिन। ठीक है, तो ये याद रखना, कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन को ऐड नहीं किया सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, वो है टेट्रा फिनिल इथाइलिन। उसके बाद नेक्स्ट है डिटर्जेंट क्लीन सर्फेसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन। जो डिटर्जेंट है वो किसी सरफेस को क्लीन करता है, वो सरफेस टेंशन। और दूसरा एक और क्वेश्चन है, जैसे शेविंग ब्रश होता है ना, हालांकि अब तो फोम का ज़माना आ गया, फोम यूज़ करते हैं, तो एक क्वेश्चन क्या होता है आपने देखा होगा, ठीक है, ये पानी का ग्लास है, तो शेविंग ब्रश जो होता है पूरा ऐसा, जो पानी के अंदर जाएगा तो वो खुल जाता है, उसके जो हेयर्स हैं, जो शेविंग ब्रश के बाल होते हैं वो खुल जाते हैं, बट जैसे ही आप पानी से बाहर निकालोगे वो पूरे चिपक जाते हैं, तो उसका कारण भी सरफेस टेंशन ही होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गोबर गैस का होता है मीथेन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट एज पॉल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई। अब देखो, वैसे क्लोरिनेशन के बेसिस पे जब आपके घर में पानी आता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ होता है, तो उसमें से जो स्मेल आती है वो क्लोरीन की वजह से आती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरिनेशन होता है उसके बेसिस पे किसी भी वाटर में पॉल्यूटेंट को हटा देते हैं। बट जब अगर उस पानी में आयरन और मैग्नीज, याद रखना, आयरन और मैग्नीज प्रेजेंट हो पॉल्यूटेंट, वो क्लोरिनेशन से हटेंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई हायर लेवल ऑफ विच गैस इन द एटमोसफियर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इज कॉज्ड बाई हायर लेवल ऑफ विच गैस, तो जैसा मैंने बोला मेजर गैस ऑलरेडी बता चुका था वो CO2 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ सुगर द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड इथिल एल्कोहल, वही दारू शारू पैग वैग जो बना के पीते हैं तो इथिल एल्कोहल ही बनती है, आप सबको पता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ सुगर। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जब फर्मेंटेशन हो रहा होता है सुगर का, पहले 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल में टूटते हैं, ठीक है, तो ये बताओ एनएरोबिक जो कंडीशन में होता है या एरोबिक कंडीशन में होता है जो फर्मेंटेशन होता है सुगर का। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये पूछना, मतलब ये कमेंट में बताना। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम सुगर बीट, गन्ने से और सुगर केन से, इज कॉल्ड बे गैस। ये याद रखना, बे गैस बोलते हैं जो बाद में बच जाता है ना, रेजिड्यू जब जूस वूस निकाल लेते हैं जो बच जाता है उसे बे गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे उसके बाद। देखिए, द अमाउंट ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन वाटर आफ्टर डिसइन्फेक्शन इज, देखिए जो क्लोरीन मिल जाती है पूरे वाटर को साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन बच जाती है उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमोसफियर, हमारे जो सराउंडिंग होती है एटमोसफियर होता है तो उसमें मैक्सिमम वाटर वेपर कितना होता होगा। ठीक है, वाटर वेपर क्या होता है, जनरली ऐसा लिक्विड जो वेपराइज हो चुका है, यानी कि अब हवा में एयर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ा रहा है, तो 3 से 4%। डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि कितना होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में क्या क्या होता है, जो आपके घर में अभी जो वीडियो आप देख रहे हो तो सामने एक बार नज़र मार लो, किसी रूम के अंदर हो गए या रूम के बाहर हो तो रूम में देख लो, तो जो वॉल होगी वो लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। कमेंट बॉक्स में बताना है जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा ये। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर,
देखिए, हर क्वेश्चन के बारे में आपने ध्यान से सुनना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कितना परसेंट होता है? 78%। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मीथेन। टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल आर डिफ्रेंशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखना, हमेशा याद रखना, किसी दो इलेक्ट्रॉन में चार क्वांटम नंबर सेम रहते हैं, बट एक क्वांटम नंबर, मतलब चार क्वांटम, तीन क्वांटम नंबर सेम रहेंगे, बट एक क्वांटम नंबर, मतलब एक जो होगा प्रॉपर्टी अलग होगी। कौन सी होगी? वो स्पिन क्वांटम नंबर की, एक ऊपर को हो तो एक नीचे को होगी। ठीक है, तो याद रखना, किसी दो इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन को कैसे आप डिफरेंस करोगे? स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से। बाकी प्रिंसिपल है, एजीमेथल है, ये क्वांटम नंबर सेम रहते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, देखिए पानी का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे शुद्धतम रूप रहता है वर्षा, जो रेन वाटर होता है ना, वर्षा जल जो ऊपर से आता है वो प्योर फॉर्म माना जाता है। वैसे अगर, चलो बताओ, कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, उन तीन एलोट्रॉप में जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? बकमिनिस्टर फुलरिन होगी, डायमंड होगा या ग्रेफाइट होगा। व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक, जो सिगरेट होती है, अब उससे धुआं निकलता है, तो उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो याद रखना, ऑटोमोबाइल व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, तो वही सिगरेट का स्मोक का भी जो होता है मेजर पॉल्यूटेंट रहता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इतनी टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आपके ब्लड में घुल जाता है। मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट होता है। अब अर्थ क्रस्ट है मिट्टी से बनाया, अगर मिट्टी का फॉर्मूला कोई पूछे तो SiO2 ही होता है, तो इसलिए ये है मेजर पोर्शन अर्थ क्रस्ट जो रॉक से बने रहता है वो SiO2 ही होगा। सही है। कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में बदल जाता है, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये हमने पहले भी किया है, आपको कमेंट बॉक्स में तीन जो है वो बताने हैं उसके एग्जांपल। ठीक है, कॉमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमर्शियली क्या बोला जाता है? जैसे कॉमर्शियली यानी कि किस नाम से वो ज़्यादा बिकता है। अगर लेबोरेटरी में जाओगे, आप किसी केमिस्ट से पूछोगे, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट कहेगा, अगर टेस्ट वेस्ट करेगा तो। बट उसके बाद अगर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि किसी से, अगर आप किसी दुकान पर जाओगे तो आप बोलोगे सीधे बेकिंग सोडा दो, यानी कि NaHCO3 दे दो। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। याद रखना, कैडमियम, कैडमियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, कैडमियम। ठीक है, और एक और डिटेल बताता हूँ, HCl के साथ कौन सा जो मेटल रिएक्ट नहीं करता और हाइड्रोजन नहीं देगा? तो HCl के साथ कॉपर, ठीक है, याद रखना, कॉपर रिएक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? देखो, इसके लिए ट्रिक बनाई है, HCl है ये, देखो ऐसे लिखेंगे तो हमेशा कभी भी याद आएगा कि HCl के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता। तो HCl के पीछे जो L है उसको U बना दो, यानी कि कॉपर। ठीक है, अब कभी भी नहीं भूलोगे, कोई भी पूछ लेगा HCl के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा, तो कॉपर आपके माइंड में आ जाएगा। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जो वेपराइज हो जाए, मतलब जो उड़ जाए, उसे वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, या जितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन होंगे, उतना ही ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर भी होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एल्कली मेटल कार्बोनेट, एल्कली मेटल क्या होंगे? ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तभी तो उनको एल्कली बोलते हैं। तो जो घुलने की क्षमता है, जो सॉल्युबिलिटी है एल्कली मेटल कार्बोनेट की, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप के नीचे नीचे को बढ़ते हैं, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है जो एल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है, ऊपर जाने को या नीचे जाने को? ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है बढ़ती रहती है। एन एटॉमिक लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन, एटॉमिक लॉक सीजियम। ठीक है, तो एक बार क्या हो गया था, इसरो में सैटेलाइट भेजी थी बट एटॉमिक लॉक खराब हो गई थी,
ठीक है। तो उसी एटॉमिक क्लॉक में, एटॉमिक क्लॉक को ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो टाइम बताती है वो है एटॉमिक क्लॉक हमारी। तो उसमें कौन सा एलिमेंट रहता है? सीजियम। चलो सीजियम का मुझे वो बताना, नंबर बताओ, ठीक है, कौन से नंबर पर आता है? जैसे कार्बन 6 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, ये बताना है। विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज राइट? देखिए दो स्टेटमेंट है, जर्बन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ सिल्वर, इससे पहले भी हमने देखा था, तो उसी को, उसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। मैंने ये बोला था जर्मन सिल्वर कभी भी सिल्वर इंक्लूड ही नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, पहला तो गलत हो जाएगा। देयर इज नो जिंक इन ब्रास, क्या ब्रास में कोई जिंक नहीं होता? गलत है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, यस ओनली 3, यहाँ पर ब्रॉन्ज वाला ही सही है कि जो कांसा है तांबे और टिन का मिश्र धातु है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर केमिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप हैं तो केमिकली वो एक दूसरे के जो हैं आइडेंटिकल होंगे। केमिकली मतलब, यानी कि अगर सपोज दो एलिमेंट, एक एलिमेंट के तीन आइसोटोप हैं, या चलो तीन आइसोटोप हैं, ठीक है, मान के चलो तीन आइसोटोप हैं, तो केमिकली वो अगर हाइड्रोजन के साथ जिस तरह से एक आइसोटोप रिएक्ट कर रहा है, दूसरा भी सेम हाइड्रोजन के साथ वैसा ही रिएक्शन देगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना। इफ ए बुलेट कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ ए मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई, किसी किसी आदमी को गोली लग जाती है सपोज, अब उसको ज़्यादा तबीब तो बोलते हैं कि गोली जल्दी निकाल लेनी चाहिए, जो गन शॉट लगा हुआ है उस बंदे को, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास आता है, कहता है कि गोली निकालो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो गोली उसके शरीर पर 3-4 घंटे भी रहेगी तो लेड की पॉइजनिंग से उसकी डेथ हो सकती है। किसकी? लेड। तो ये याद रखना ना, लेड से। तो लेड, एक और चीज़ बताता हूँ फैक्ट, जो मैगी हुई थी, अभी तो मैगी सब जगह आप खरीद सकते हो, बट मैगी एक टाइम में क्या हुआ था, बैन हो गया था, तो उसमें क्या बोला जा रहा था कि लेड ही है, तो सोच लो मैगी में भी लेड होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होता है एक। द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, मास नंबर कैसे निकाला जाता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इससे मास नंबर पता चलता है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, जब आप केमिस्ट्री का कोर्स बंदरगाह के लिए, मैं कंप्लीट करा चुका हूँ केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, फिजिक्स के एक चैप्टर बचा है साउंड वाला, और बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर बचे हैं उसके बेसिस पे, फिर एग्रीकल्चर तो आप पता ही है किस नंबर पर कॉल करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। तो एक तरह से बंदरगाह का कंप्लीट कोर्स इस चैनल में हो चुका है। बाकी मास नंबर, जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि टोटल मास जो किसी एटम का होता है वो सेंटर में कंसंट्रेट रहता है, यानी कि प्रोटॉन सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है, तो उसी के बेसिस पर पूरा मास नंबर बनाया जाता है, ठीक है। जो मास होता है एक एवोगाड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम, वो 4 ग्राम होता है। चलो बताओ एक एवोगाड्रो नंबर में, वन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? डिटर्जेंट आर, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये सोडियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर द डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल इज 1, डम्बल जो शेप्ड ऑर्बिटल होते हैं जो वैल्यू होती है एल की 1 होती है, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर के बेसिस पर। ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। सीमेंट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले, सीमेंट जो होता है फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले, अभी हमने सीमेंट का मिक्सचर भी देखा था, लाइमस्टोन क्ले, ठीक है, और जिप्सम। एन एलिमेंट विथ एटोमिक नंबर 36, डायरेक्ट देखिए पीरियोडिक टेबल हमारे बंदरगाह के सिलेबस में भी मेंशन है, और दूसरे जो जितने भी सिलेबस होते हैं जनरली केमिस्ट्री में, ये हमेशा पूछा जाता है, नंबर ऑफ, आपसे एटॉमिक नंबर पूछ दिया जाएगा, आपसे ये बोला जाएगा कि कौन सा ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक। हार्ड स्टील कंटेन, देखिए किसी भी स्टील को हार्ड बनाने के लिए कार्बन ऐड किया जाता है, ये याद रखना, पर कितना कार्बन? 0.5 से लेके 1.5% तक कार्बन उसमें ऐड किया जाता है। विच अमंग द गिवन इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, और डायमंड ही प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है,
ग्लास एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, दोबारा आ गया था ये। एलिमेंट दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ नॉन मेटल एंड मेटल, उसे मेटलॉइड कहते हैं। एक ऐसा एलिमेंट है उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। तो चलो बताओ दो मेटलॉइड के नाम बताना, क्योंकि डायरेक्ट मेटलॉइड के बारे में पूछ लिया जाता है। अब मेटलॉइड के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा एक स्पेसिफिक वीडियो में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो अभी मैं बोल रहा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद द रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन्स, अब फ्रियॉन्स का यूज़ किया जाता है कॉमर्शियली भी, और एक नंबर ऑफ ग्रुप में फ्रियॉन्स बोला जाता है। तो फ्रियॉन्स जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, तो फ्रियॉन्स इज ये क्या है, डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेफ्रिजरेंट में फ्रियॉन्स जो टर्म है, या बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं कॉमर्शियली जो बेचते हैं इसके अंदर, तो ये फ्रियॉन है क्या, डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। अमोनियम आयन एक टेट्राहेड्रल है। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज, जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। द एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक वेट 238, वेट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, चलो यूरेनियम के वो बताना, आइसोटोप बताना मुझे। द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये पूछ लेंगे कभी कभी। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ए मेटल सरफेस इज इरेडिएटेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सिंपल है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर कोई मेटल है, यहाँ पर सन से आई लाइट और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे एमिट निकल जाता है, तो इसी पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो का मतलब याद रखना, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो किसका एलॉय है, क्रोमियम, कार्बन और आयरन का, तो याद रखना। और स्टील को हार्ड बनाने के लिए कार्बन यूज होता है। द मेटल कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है कभी कभी, सबसे मेन रीज़न तो यही है कि कॉरोजन ना हो, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो उसमें क्रोमियम, कॉपर और निकिल को मिलाया जाता है, ठीक है। विच अमंग द गिवन प्रोड्यूस हाइस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन, अगर देखिए ये मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, कि आपका खाना अंदर जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी और आपको एनर्जी देगा। बट इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हाइस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन देता है आपको, फैट देते हैं अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि आपको खाने को ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, या डायरेक्ट आप ये कह सकते हो खाना खाने को रेस्पिरेशन कहते हैं। बट अगर बायोलॉजिकली हम देखें, एकेडमिक लेवल पर या कॉम्पिटेटिव लेवल पर जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है, तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। द BOD वैल्यूज़ ऑफ वाटर इंडिकेट, BOD वैल्यू जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू है पानी की, वो क्या बताती है, वो बताती है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, कितनी ऑक्सीजन यूज हो चुकी है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन के लिए। एक एग्जांपल सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम, ठीक है, मेटलॉइड, जैसे मैं अभी बोल रहा था बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, तो आपको बताना है जो दो मेटलॉइड्स बताने हैं जर्मेनियम के अलावा। चूज द राइट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप, ठीक है, तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं है बट ये एक फैक्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है डाउन द ग्रुप जाने में। एग्जाम्पल, आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला आपने देखा है 17th ग्रुप है, हेलोजन वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप घटते जाती है, मतलब सबसे ऊपर वाले की ज़्यादा, फिर उससे नीचे वाले की कम, उससे नीचे वाले, ठीक है। बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो केमिस्ट्री के बेसिस पर आप मत पढ़ना, पर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डाउन द ग्रुप कौन बढ़ रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप घट जाती है। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जम जाता है
तो इसका मतलब हाइड्रेशन टू फॉर्म अदर हाइड्रेट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ऑलरेडी साइंस वल्नर इफेक्ट के करे थे हमने। विनेगर का कॉन्स्टिट्यूएंट एसिटिक एसिड होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल हैं आयोनिक बॉन्डिंग के, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ट्रांसफ़र पूरी अच्छे से, जैसे NaCl है। एग्जाम्पल बताता हूँ, NaCl को समझाता हूँ, समझ जाओगे आप। NaCl, Na के कितने, 281। और देखिए आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लोरीन का क्या होता है, 2 से 278, 1 यहाँ चले जाएगा, 277, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, देखिए सोडियम का हो जाएगा 11, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, चलो जितना भी होता है, पर 17th ग्रुप में है तो इसका लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 17th ग्रुप के बेसिस पे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके हमें लास्ट ग्रुप पता है, ये फर्स्ट ग्रुप का है तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1। तो अब यहाँ से ये हमें स्टेबल होने के लिए लास्ट जो सेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 1 ये। तो इस तरह से सोडियम से जो लास्ट आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसकी वैलेंसी होती है, वो कंप्लीट ए इलेक्ट्रॉन चले जाता है और यहाँ पर ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इसके बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि ये आयनिक बॉन्डिंग बनाता है। तो कौन कौन आयनिक बॉन्डिंग बनाता है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हीलियम गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, देखिए हीलियम गैस बैलून्स में भरी जाती है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। हवा से हल्की होगी तभी हीलियम के बैलून्स उड़ने लग जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द इज फाउंड इन किडनी स्टोन्स, बहुत सारे किडनी स्टोन होते हैं सब लोगों को ज़्यादातर, तो क्या पाया जाता है उसमें, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब यहाँ पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो देखिए वंडरवॉल फोर्सेज वो होते हैं सबसे वीक फोर्सेज, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका मतलब होता है वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, हायर वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो ये देखिए इतना हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैशियस एटम, ये याद रखना। कभी भी कोई न्यूट्रल गैशियस एटम है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, या हम कह सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, आप सबको पता है, तो उसी टर्म को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर, याद रखना। बहुत सारे जो फर्टिलाइजर हैं एग्रीकल्चर की बुक वन दरोगा के लिए, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वही जो नंबर मैंने आपको बताया उससे मैं आपको डायरेक्ट PDF बताऊंगा, उसमें हमारे वन दरोगा के सिलेबस में एक फर्टिलाइजर है, मैन्योर्स हैं, ये सब टॉपिक हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैल्शियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, तो कैल्शियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। एसिड सीक्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोमक, और कौन सा जो एसिड है वो सीक्रेट करता है हमारा स्टोमक, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा जो एसिड सीक्रेट करता है और उससे होता क्या है, ठीक है। आप सिर्फ एसिड का नाम बताइए कि होता क्यों है ये, क्योंकि वन दरोगा एक वन डे एग्जाम है तो इसमें होता क्यों है ये नहीं पूछते हैं। द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट, देखिए टेबल सॉल्ट कभी कभी आयोडाइड के बेसिस पर भी बोला जाता है कि आयोडाइड सॉल्ट, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, द कॉमर्शियल नेम ऑफ फॉर कैल्शियम हाइड्राइड, देखिए कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो केमिकल नेम है ये केमिकल नेम तो कैल्शियम हाइड्राइड ही हो गया, कॉमर्शियल नेम, इससे पहले हमने एक कॉमर्शियल नेम वाला एक और क्वेश्चन किया था, तो जनरली यही बोला था मैंने, जब भी लेबोरेटरी में ये बनाए जाते हैं तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं ये दो अलग चीज़ें होती हैं। यानी कि आप बाज़ार में कहीं ख़रीदने जाते हो कुछ चीज़, तो उसको आप कैल्शियम हाइड्राइड दे दो कभी नहीं कहोगे, कॉमर्शियली उसके लिए नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा ही किया था क्वेश्चन, तो ये है हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ को कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। क्लोरीन एटम बिकम्स ए क्लोराइड आयन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो एक आयन बन जाता है। आयनिक बॉन्ड या आयन्स, ऑलरेडी मैंने बताया था आयन्स कैसे बनते हैं, जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज करो गेन करो तो आयन्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन प्योर फॉर्म, कॉपर, कॉपर जो होता है प्योर फॉर्म में मिलता है, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमर्शियली नॉन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमर्शियली इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, NaHCO3। विच अमंग द गिवन इज नॉट ए केमिकल एक्शन, देखिए कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू स्टीम इज नॉट अ केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन जनरली क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर देना होता है जनरली, ठीक है। तो या कुछ चीज़ नया जो सब्सटेंस है वो बनना होता है, बट ये एक केमिकल एक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन इज अ मोनो एटोमिक गैस, देखिए कभी कभी ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी मोनो एटोमिक है, कौन सी डाई एटोमिक है, कौन सी पैरा मैग्नेटिक है, कौन सी डाई मैग्नेटिक है, ये पूछा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन बताइए क्या है, पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, ये बताना है। मोनो एटोमिक गैस कौन सी है, नियोन। और ऑक्सीजन वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो हर एक मोस्ट प्रोबेबल हर एक जो पेपर में पूछा ही जाता है। देखिए टीयर गैस यूज बाय द पुलिस टू डिस्पर्ज द मॉब कंटेन क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड होता है। तो टीयर गैस जो स्टार्टिंग का सेकंड क्वेश्चन था वो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो टीयर गैस यूज बाय द पुलिस टू डिस्पर्ज द मॉब कंटेनिंग, जो मॉब यानी कि भीड़ जो होती है, तो टीयर गैस में क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा है इसका फॉर्मूला क्या होता है। विच अमंग द गिवन इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट विगरसली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में होते हैं बहुत तेज एक्सप्लोजन भी करते हैं, ऐसा क्या बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, तो ये दोनों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाता है। ब्रास किससे बनता है, जिंक एंड कॉपर से, दोनों मेटल के उससे एक एलॉय बन जाता है। द फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय लाइट, अब देखिए फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अगर आपको फोटो का मतलब पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, फोटो का मतलब ही लाइट होता है। इससे पहले हमने किया था जो फोटो रेस्पिरेशन होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट होता है इसका मतलब, ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। व्हेन ए सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, अब जब कोई नमक पानी में घुल जाता है तो ये एंट्रोपी को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl, जो गैस इवॉल्व होगी वो हाइड्रोजन ही होगी। केमिस्ट्री का जो हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, पहले बहुत सारे लोग देख चुके हैं, आप भी अगर सिलेबस में डाउट हो रहा है या NCERT पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो वीडियो को देख लो, पूरा वीडियो मैंने बनाई ही है। अगर किसी को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट PDF आपको दूंगा, या डायरेक्ट गूगल सर्च भी कर सकते हो पंकज बोहरा इंस्टा मोजो करके। वास्टली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा ऐसा फर्टिलाइजर जो जिसको यूज़ किया जाता है यूरिया डोमेस्टिक, और उसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंजिस्ट मोस्टली ऑफ, डोमेस्टिक कुकिंग जो घर में LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटीन होता है, ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंजाइम्स है, फैट है, प्रोटीन है, क्या है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन गैसेज इज मिक्सड विथ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग बाय डाइवर्स इन एक्वा लंग्स, अब देखिए जो एक्वा लंग्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, जो तैरते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। द नेम ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम विच कॉम्स टॉयज बाउल्स, जितनी कंगियाँ होती हैं, खिलौने होते हैं, कटोरे होते हैं, ये सब मिलते हैं, उसे पॉलिस्ट्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिस्ट्रीन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कैप्ट इन ब्राउन बॉटल इन लेबोरेटरी एज, ऐसा क्यों होता है, सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बॉटल में रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बॉटल्स स्टॉप्स द पासेज ऑफ लाइट थ्रू इट, ठीक है। तो ये याद रखना, ब्राउन बॉटल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये लाइट को आने नहीं देता है या पास होने नहीं देता है। एन एलिमेंट फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक का मतलब ही ये होता है, जनरली आपने 12th में पढ़ी होगी या 11th में पढ़ी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारी तीन टाइप की केमिस्ट्री होती थी, तो जिसमें से हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता था कार्बन के, जो कार्बन से चीज़ें बनेंगी या कार्बन के कंपाउंड बनेंगे उनके बारे में पढ़ना। सबमरीन्स मूव अंडर वाटर, दे हैव इंजन दैट रन ऑन डीजल्स। उनके इंजन ऐसे होते हैं जो किस पर काम करते हैं, डीजल में। अब मार्स गैस तो हर बार पूछ लिया जाता है, वो क्या होती है, CH4, मार्स मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज एसिड इज नॉट ऑर्गेनिक इन ओरिजन। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक वो नहीं होगा जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है या कार्बन का एटम नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसका फॉर्मूला आप सब सोचें तो H2SO4 होता है, तो इसमें कोई कार्बन ही नहीं है तो ये ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा। सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेजर एयर पोल्यूटेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा मेजर एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और अगर इसकी ब्लड की तरफ एफिनिटी देखूं तो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम विच अमंग द गिवन सोर्स कैन येट गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड। जिलेटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम। जिलेटिन का आइसक्रीम बनाने में यूज होता है, क्यों, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एंड कॉलॉइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, ताकि आइसक्रीम पूरा ऐसे जम ना जाए या क्रिस्टल ना बन जाए, इसलिए जिलेटिन का यूज किया जाता है, कॉलॉइडल हो सके, कॉलॉइड हो सके, जैसे ऐसा ना आइसक्रीम आप खा सको। ऐसा नहीं कि यार, बचपन में एक आइसक्रीम भी आती थी जो कि ऐसे दो दो रुपए की बनाई जाती थी, वो पूरा पानी को जमा दो, वो आइसक्रीम नहीं, वाली आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर कोलाइडल और क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जिलेटिन का यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज यूज इन मेकिंग सेंसिटिव इमल्शन ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। इमल्शन तो जनरली क्या होता है, लिक्विड लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा हैलाइड यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म के लिए, AGBR। मैंने एक चीज़ ये बोला, कभी भी फोटोग्राफिक वाला बात आती है तो आप सोडियम थायोसल्फेट का नाम जरूर याद रखें, मोस्ट प्रॉबेबल है पूछा जाएगा। इनेमल इज हमारा दांत जो होता है ना, इनेमल, बट उसी के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस कंपाउंड के बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या होता है, ग्लॉसी कोटिंग फ्यूज टू सर्फेस ऑफ ए मेटल ग्लास और पॉटरी। तो उसमें मेटल, ये ग्लास, ये सब यूज़ करते हैं और डाला जाता है। ठीक है। द मटेरियल यूज इन सोलर सेल्स कंटेन। अब जो सोलर सेल में जो मटेरियल होता है वो होता है सिलिकन। ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक एक्सोजेनेरिक रिएक्शन होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फीजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फीजन क्या होता है, हमने केमिस्ट्री वाले उसमें बताया है, आपको भी पता होगा। चलो बताओ, इसमें से जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, अगर मैं कहूँगा सन इतना ज़्यादा हीट क्यों जनरेट करता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, न्यूक्लियर फीजन है या फ्यूज़न है, ये बताना मेरे को आंसर। ठीक है। तो ये एक एक्सोजेनेरिक रिएक्शन है। पेट्रोलियम मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जिसमें ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं। ठीक है। सैक्रिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मिठास लाने के लिए एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ किया जाता है, कृत्रिम स्वीटनर, स्वीटनर जो किसी चीज़ को मिठास देता है, वो है सैक्रिन। मसल फैटिग इज कॉज्ड बाय, देखिए कभी कभी हम जो जिम जाते हैं, ठीक है, सब लोग कहते हैं जिम का ही ऑप्शन, पर जिम जाना या दौड़ना, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, तो इस वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो पेन तब होता है जैसे हमारे जॉइंट्स में ये सब, जब लैक्टिक एसिड जो होता है जम जाता है या एक्युमुलेट हो जाता है, तब मसल फैटीग हो जाता है, यानी कि मांसपेशियों में थकावट। एन एसिड दैट कैन बी यूज्ड एज ए हाइपोटोनिक, वो होता है बेंजोइक एसिड। हाइपोटोनिक की तरह किसको यूज कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड को। देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट हैविंग मास नंबर 226 और एटॉमिक नंबर 88 है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होगा। ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होगा, 138। कैसे, जो मास नंबर है उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। वैसे अगर मास नंबर के बारे में बात करूं, एटॉमिक नंबर प्लस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ऑलरेडी बता चुका था, और जितना ही एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन का नंबर भी होगा। तो 226 से 88 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो कैरी 1 16, 16 का 8 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, कैरी एक करके ये 11, 11 माइनस 8 3, और ये 1 हो जाएगा 138। ठीक है।
द मोस्ट इनएक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज वेराइटी ऑफ ग्लास इज कॉल्ड सोडा ग्लास, ठीक है, इट इज सो कॉल्ड, इट इज मेड यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडा ग्लास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किससे बना रहता है, सोडियम कार्बोनेट से बना रहता है, ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। द एसिड विच इज सीक्रेटेड बाई ग्लैंड इन द स्टोमक वॉल इज HCl। नेक्स्ट है, विच अमंग द गिवन इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल पाउडर, जियोथर्मल पाउडर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। आयरन आर्टिकल रस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब लोहे में जंग लग जाती है वो किसकी फॉर्मेशन से, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड की जो है मिक्सचर से बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइम वाटर कंटेन, लाइम वाटर क्या कंटेन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओजोन एक डायमैग्नेटिक है, अभी जैसे मैंने पूछा था ना, ऑक्सीजन क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरीमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन के बारे में आपने लिखना है। द एलिमेंट विथ हाइस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वह है हीलियम। पैराफिन वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जो पैराफिन वैक्स होता है वो किससे मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ मिक्सचर, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में हमने देखा था, चलो वैसे बता देता हूँ लिटिल सा डिफरेंस क्या है। मिक्सचर क्या होता है, जैसे आपने नमक लाए, मिट्टी लाए, मिला दिया, वो मिक्सचर है। बट कैल्शियम और सल्फेट, जैसे एक कंपाउंड है कैल्शियम सल्फेट, इट इज़ नॉट अ मिक्सचर, इट इज़ अ कंपाउंड। आप डायरेक्ट मिला के नहीं कर सकते या इसको किसी फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते, जैसे H2O है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना मैं हाइड्रोजन, आज मेरे को हाइड्रोजन ही लेना है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता हूँ, ऑक्सीजन कर लूँगा या सोने समय लूँगा। तो पानी पियोगे तो दोनों ही पियोगे ना H2O, क्यूक्लाइम, तो यही डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। तो गैसोलीन एक मिक्सचर नहीं होता है। क्यूक्लाइम कैन बी ऑब्टेंड बाई हीटिंग लाइम स्टोन इन ए लाइम क्लिन, तो क्यूक्लाइम मिल जाएगा लाइम स्टोन को गर्म करके। रेफ्रिजरेटर कीन कीप फूड अनस्पॉइल्ड, अब आप फ्रिज में चीज़ें रखते हो वो खाने को जल्दी सड़ाता नहीं है या ख़राब नहीं करता है, क्योंकि उसका जो लो टेम्परेचर होता है वो जम्स को मार देता है, ये है पूरा रीज़न इसके पीछे। अब हमने कहा एसिड रेन, SO2 और NO2 के वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो ताजमहल इसी एसिड रेन से जो है इफेक्ट रहता है, उसकी जो सरफेस है वो ख़राब हो जाती है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका इसको केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं कभी कभी इसे, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। स्प्रिट इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन एट, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होती है। विच अमंग द गिवन गैसेज इज मोस्ट टॉक्सिक, कार्बन मोनो ऑक्साइड। वेन हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर, ये क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। देखिए कितना अच्छा फैक्ट है, अगर हाइड्रोजन बर्न जलने लगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर। अब बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसी वजह से वो क्या बना देता है, वाटर बना देता है। ए दीवार फ्लास्क इज यूज टू स्टोर लिक्विड एयर, लिक्विड एयर को स्टोर करने के लिए दीवार फ्लास्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला दिया है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस और सोरिंग ऑफ मिल्क, तीन चीज़ें बोली गई हैं और बोला जा रहा है इसमें से केमिकल चेंज क्या है। आइस का पिघलना तो बिल्कुल भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड का जो कि घर का नमक होता है उसका क्रिस्टल होना बिल्कुल भी एक केमिकल चेंज नहीं है। बट सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध उबलना, दूध का फटना या कोई भी चीज़ आप कह सकते हो, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये दोबारा ये प्रिंट हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। अब देखिए ऑप्शन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज अलॉन्ग पीरियड, देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं क्योंकि जैसे ये वन लाइनर फैक्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ जो सही है वो डिस्कस कर लेते हैं।
इन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज द एटोमिक वेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे एटोमिक वेट इंक्रीज होगा एटोमिक एफिनिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, एटोमिक वेट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है एटोमिक नंबर बढ़ेगा, तो और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता उस पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ट्रिक ऐसे याद रखो, कोई एटम ज़्यादा वेट ओवर वेट हो गया, कोई मोटा है सपोज, तो वो दौड़ नहीं पाता है ज़्यादा, ठीक है, और कोई पतला होता है वो तो बहुत ज़्यादा दौड़ता है। तो इसी को बेसिस पे एक ट्रिक बना लो, एटॉमिक जो वेट होता है अगर वो ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, सही है। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर। अब चार ऑप्शन में से बस गोल्ड नॉन टॉक्सिक ही होता है, ठीक है, तभी तो पहनते हैं या हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारी अगर अभी पूरी लाइफ है, आप हैं, हम हैं, कोई भी जीव है, तो प्राइमरी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स भी इनको भी बोला जाता है, सही है। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स, क्योंकि ये वो ज़्यादा कॉलिजन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। वट आर रूबीज एंड सेफराइज केमिकली नॉन एज एलमोनियम ऑक्साइड, याद रखना रूबीज और सेफायर्स क्या होते हैं, किससे बने रहते हैं, एलमोनियम ऑक्साइड से। रूबीज आप सबको पता है जेम स्टोन की तरह होता है, एक तरह से पिंक पिंक आपने देखा होगा, एक तरह से ज्वेलरी के लिए ही यूज़ किया जाता है रूबीज को, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मटेरियल जनरली एम्प्लॉयड एज सोल्डर इन सोल्डरिंग ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेड एंड टिन। अब लेड एंड टिन का इसलिए यूज़ किया जाता है ना, लेड और टिन का एक चीज़ याद रखना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो सिंपल सी बात है, सपोज आपकी स्कूटी या बाइक ख़राब है, तो आप जब वो करते हैं सोल्डिंग कराने जाते हैं तो जो सोल्डर के लिए यूज़ होता है लेड और टिन जो यूज़ करते हैं ना ऐसे जलाते हुए, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो आपकी किसी भी जो आयरन वाला आर्टिकल होगा उसको ये जोड़ देगा, सही है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर। अब दो टाइप के वाटर होते हैं, हार्ड वाटर या आप कह सकते हो परमानेंट वाटर, टेम्प्रेरी वाटर या सॉफ्ट वाटर भी कह सकते हो। तो आपको ये बताना है हार्ड वाटर, देखिए इससे पहले का जो हमने साइंस वन लाइनर फैक्ट जिन्होंने नहीं देखा है उसमें बताया था हार्ड वाटर क्या होता है। तो हार्ड वाटर सुटेबल किसके लिए नहीं है, तो डायरेक्ट बता देता हूँ, वॉशिंग क्लोथ्स विद सोप, साबुन के साथ आप धोते हो, क्योंकि हार्ड वाटर के साथ हमको पहले बताया था मैंने क्या यूज़ करना चाहिए, डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा इसका फॉर्म नहीं होता। और इरिगेटिंग क्रॉप्स यानी कि जो फसल हैं उनकी सिंचाई के लिए भी हार्ड वाटर को यूज़ नहीं करना चाहिए, बाकी आप जो है पानी पी सकते हो, बॉयलर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, सही है। इनर्ट गैस कैन फॉर्म कंपाउंड, आप सबको पता है 18th जो हमारा ग्रुप है वो एक इनर्ट गैस वाला ग्रुप है। 18th जो हमारा पता ही है आपको, 18th ग्रुप कौन सा होता है, जिनॉन रेडॉन वाला, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो इसमें से एक ऐसा कंपाउंड है जो कंपाउंड बनाता है, या एक ऐसा एलिमेंट है जो कंपाउंड भी बना लेता है इनर्ट होने के बावजूद भी, तो उसका नाम है जिनॉन। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको आई थिंक। एलपीजी का जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है ब्यूटेन, सही है। गोबर गैस का बताओ, चलो बायोगैस का क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल एंड हैवीएस्ट मेटल, तो सबसे लाइटेस्ट मेटियल जो होता है वो लीथियम है, और हैवीएस्ट है ऑस्मियम। लीथियम का एटॉमिक नंबर सब बता देंगे, पर मुझे जानना है ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ये बताइए ऑस्मियम का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के पेयर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, दो के आपको पेयर दे देंगे, यूरेनियम है, लीथियम है, लीथियम है, ऑस्मियम है, तो लीथियम और ऑस्मियम का मुझे क्या बताना है, आपको एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। बर्निंग पायराइट्स ओर गिव्स आउट, पायराइट्स को अगर जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपको मिलेगा, सही है। विच अमंग द गिवन इज एन आयरन ओर, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब किसके ओर होते हैं, आयरन यानी कि लोहे के,
विच अमंग द गिवन इज यूज टू इंक्रीज द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल। एंटी नॉकिंग का प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, कभी कभी आप सपोज आपने सुना होगा ये बंदा बाइक में लद्दाख गया जहाँ बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर था, अचानक से इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो यानी कि आप कह सकते हैं इंजन नॉक हो गया। तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जो आपके इंजन को जाम नहीं होने देता है, नॉक नहीं होने जाता दिया जाता है किसी वजह से, तो उसे एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कौन सी है? टेट्रा इथिल लेड जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है किसी पेट्रोल की। यानी कि अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप कह देंगे कि अरे भैया मेरे को टेट्रा इथिल लेड भी दो, ठीक है, तो जिस वजह से आपकी जो बाइक है वो जाम ना हो। ओके, लेड इंजेस्टेड और इनहेल्ड। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी कि अगर किसी को बुलेट मार दी, गोली चला दी किसी के ऊपर, और वो बुलेट क्या रही, उसको ना निकाला गया, उसको बुलेट को ना निकाला गया, तो इसमें से कौन सी जो है किस एलिमेंट के बेसिस पे पॉइजन हो सकता है? तो वो होता है लेड। लेड इंजेस्ट हो जाए या इनहेल हो जाए इज ए हेल्थ हजार्ड। सो आफ्टर द एडिशन ऑफ लेड टू पेट्रोल हैज़ बीन बैंड, व्हाट स्टिल आर सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग? कौन कौन से लेड पॉइजनिंग के सोर्सेज हैं अभी भी? तो लेड को जो है पेट्रोल के साथ पहले ब्लेंड किया जाता था, बट आजकल कैंसिल कर दिया है। क्यों? अगर क्योंकि पेट्रोल आप सबको पता है कैसे एक तरह से वॉलेटाइल लिक्विड होता है, पेट्रोल जो उड़ जाता है, आप एक घंटा खुला छोड़ेंगे तो पेट्रोल ख़त्म। तो इसमें से अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिससे कि पॉइजनिंग हो सकती है। एग्जाम्पल स्मेल्टिंग यूनिट एंड थर्ड वन इज पेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से अभी लेड की पॉइजनिंग हो सकती है। क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, सही है। द डिस इन्फेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरिन इज मेनली ड्यू टू, कोई पानी शुद्ध नहीं होता है तो पानी में बोला जाता है क्लोरिनेशन करवाओ, बट जो ये प्रॉपर्टी होती है ना डिस इन्फेक्टिंग की, किसी पानी को शुद्ध कर देता है, तो ये होता है द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रस हाइपोक्लोरस एसिड व्हेन क्लोरिन इज एडेड टू वाटर। तो इसमें क्या बनता है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है आपका, ठीक है, जब भी क्लोरीन पानी के साथ मिलता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर हैवी वाटर? HC यूरे, हैवी वाटर को उन्होंने डिस्कवर किया। हैवी वाटर को कहते क्या हैं ये बताइए, फॉर्मूला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर? ऑब्वियसली जर्मन सिल्वर सिल्वर कंटेन नहीं करता है, सही है। चार ऑप्शन है, फ्यूल गैस, और लिस्ट दी गई है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन एक साथ मैच। ए है इसमें CNG, ठीक है। दूसरा, ए का आंसर डायरेक्ट बता देता हूं, CNG किससे बिलोंग करेगा? मीथेन से। फिर है हमारा बी, कोल गैस, तो आपको डायरेक्ट ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी वही चीज़ मैं बताऊंगा जो चीज़ मैच करने वाली है। यानी कि ए को किसके साथ मैच करो? 3 के साथ, बी को 4 के साथ, सी को 2 के साथ, डी को 1 के साथ, ठीक है। तो प्रमुख घटक क्या है और कौन सा ईंधन गैस उसमें यूज़ होती है, हालांकि इतने सारे जो स्पेसिफिक हैं ये कर चुके हैं ऑलरेडी। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव की जा सकती है सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से। फायर फाइटिंग क्लोथ्स एस्बेस्टोस, अब देखिए कभी कभी जो होता है आग लग जाती है किसी जगह, ठीक है, तो उस जगह पर क्या करते हैं जो फायर वो आते हैं, फायर फाइटर्स आते हैं, तो वो कुछ कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है, वो किससे बने रहते हैं? वो एस्बेस्टोस से बने रहते हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ABCD को स्क्रीनशॉट लेके मैच करके कर सकते हो। A का मतलब 2, B का 3 से जोड़िए, C का 4 से, और D का 1 से, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जैसा मैंने बोला था किससे? हेमेटाइट से। आयरन किससे एक्सट्रैक्ट होता है? हेमेटाइट से। उसके बाद है, ए मैच्योर्ड मैमेलियन सेल विदाउट न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एक मैच्योर्ड सेल है बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं,
सही है। नेक्स्ट है सोडियम वाट वेपर लैंप ग्लो विथ येलो कलर, दिस इज ड्यू टू, अब आपने कभी भी स्ट्रीट लाइट भी देखी होगी तो उसमें सोडियम होता है, वाइट लाइट में मरकरी होता है, येलो लाइट में सोडियम होता है। तो जो सोडियम वेपर लैंप होती हैं वो पीले कलर की जलती हैं या ग्लो करती हैं, किस वजह से? इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सोडियम एटम। अब सोडियम जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। सो इन द येलो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो इसका एक ही कारण है कि बहुत ज़्यादा सोडियम आयन जो होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत बार करा चुके हैं, ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। अब मॉडरेटर का मतलब जो होता है जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है, ठीक है। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मिथिल अल्कोहल। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमोसफियर बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। एसिड रेन जो होता है किस वजह से होता है? नाइट्रोजन एंड सल्फर की बेसिस पे, उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन किया जाता है। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज एज एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, सही है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो कि हार्ड वाटर में भी काम कर लेता है वो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड से। विच ऑफ द गिवन लिक्विड इज लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन। वाटर साइकिल रिफर्स टू, वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो वाटर होता है कंटिन्यूसली मूव करते रहता है फ्रॉम ओशियन टू लैंड बैक टू द ओशियन वंस अगेन, ठीक है। ओशियन लैंड बस यही चलते रहता है, ऐसा सिंबल बना सकते हो उसके लिए। विच अमंग द गिवन इज कलरलेस, ऑक्सीजन इज कलरलेस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, रस्टिंग ऑफ आयरन एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। विच ऑफ द गिवन इज फाउंड इन क्लोरोफिल, Mg2+, ठीक है, तो वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10³। अब नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन मेटल स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, टाइटेनियम, ठीक है। एलिमेंट 106 वॉज डिस्कवर्ड बाय सीबॉग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का 200वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, जैसे डीएनए में भी प्रोटीन होता है तो नाइट्रोजन इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 200 क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ तक, जिसने भी देख ली है और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को डेली अपडेट्स के लिए, डेली रेगुलर वीडियोस के लिए, और जो बेल आइकन है वो बता लीजिए, क्योंकि देखिए बेल आइकन दबाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हमें, तो एक चीज़ कर लीजिए, एक तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं अपडेट देते रहता हूँ, दूसरा बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।